हेलो उत्तरायण फैमिली, तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होगा। आप सभी लोग बढ़िया होना भी चाहिए, तो फटाक से लाइक से सब्सक्राइब कर दो चैनल पे। सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दो, वीडियो पे कमेंट कर दो, एंड ऑल्सो जो जो कुछ भी तुम्हें करना है सब कुछ कर दो, करो यार, यू कैन डू इट। लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, शेयर मारो, कमेंट मारो, या फिर किसी बंदे के मुंह पे ये वीडियो फेंक के मारो। जो कुछ भी करना है करो, बस दब जाना चाहिए, बटन दबा दो। अपन आ जाते हैं सीधा पिछले एपिसोड पे। पिछला एपिसोड काफ़ी हैरानगी भरा था, जब हमने देखा होता है कि जियो यूली उन लोगों की मेमोरीज को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब मेमोरी डिस्ट्रॉय होने के बाद जियो यूली कहती है यहाँ से दफा हो जाओ, जिसके बाद जियो यूली जियान को बताती है कि ये जगह काफ़ी खतरनाक, फादर थोड़ा सा आप लोग कल्टीवेट करो, मैं यही कोई लेफ्ट राइट थोड़ा देख के आती हूँ। जो देखे जियान कहता है बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जा चिल, बिल्कुल इंजॉय कर। जो देखे जियान कह जियो की यूली कहती है ठीक है पापा मैं आई। जियो यूली के जाने के बाद जो यान यूनर कल्टीवेशन के लिए बैठ जाते हैं और स्टोन को ऑब्जॉर्व करने लगते हैं। जो यान 8 स्टार की स्टोन को ऑब्जॉर्व करता है और 1 मिलियन स्टार बढ़ गए होते हैं, जिससे 6 से 7 मिलियन हो गए होते हैं। देन हम देखते हैं कि जो यान अभी भी रुकता नहीं है और दूसरे यूनर द्वारा दिए गए 8 स्टार के वीस्ट के कोर को ऑब्जॉर्व करता है, लेकिन उससे जियान की पावर बढ़ नहीं रही होती और जियान को 5 मिलियन चाहिए होते हैं। इसीलिए जो यान यूज़ करता है, हाँ भाई सही समझे, स्प्रिट फ्रूट का, और सारे स्प्रिट फ्रूट का यूज़ करने के बाद जियान की पावर मोटी मोटी 6 स्टार इंटरमीडिएट लेवल तक ही बढ़ी थी, है ना। देन हम देखते हैं जियो यूली आती है और जियो यूली ने उन सभी लोगों की लंका लगा दी थी। देन हम देखते हैं जियान जब जियो यूली से पूछता कि भाई उसे मार क्यों दिया, जो देखकर जियो यूली कहती है फादर आपके लिए कोई भी खतरा छोड़ना अच्छा बात नहीं है, हैवी ह्यूमन मैंसन काफ़ी खतरनाक है और आपकी सोच से भी ज़्यादा, यहाँ तक कि फाइटिंग गॉड अलायंस से भी कई गुना ज़्यादा खतरनाक है पापा। जो देखकर जियान कहता है ऐसा है क्या, तभी जो यूली कहती है इस मार्क को छिपा लीजिए। जो देखकर जियान कहता है भंडी ये नहीं छिपा सकता, ये तो दिखता रहेगा, और डेवन गॉड को गालियाँ भी देता कि हराम खोर साला तू ना मिला होता तो ये सब ना हुआ होता। लेकिन जियान को पता था इस नुकसान है इस मार्क के तो फ़ायदे भी हैं। चार एपिसोड वहीं एंड होता है और ये एपिसोड जस्ट वहीं से स्टार्ट होता है, तो और देखते हैं इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अपनी पावर को बढ़ाने के बाद जो यान का ग्रुप इस प्लेस को छोड़ देता है और एशियन बीस्टों को ढूंढना शुरू कर देता है। दो सब किलिंग स्काई के बाहर एक फ्री आइलैंड के ऊपर एक शानदार पैलेस पर, जहाँ किलिंग स्काई के पावरफुल और हाई लेवल के एल्डर्स रहते थे, उसी में से एक लेवल एक हेवन के मैंसन में वे पर्सन भी होते हैं जो कि किलर स्काई के अंदर ऑर्डर पास करते थे, और हॉल के अंत में गहरे गोल्डन कलर की आर्मर पहने हुए एक पर्सन बैठा हुआ होता है जिसका चेहरा पीला पड़ गया होता है, इसके बाल गहरे लाल कलर के होते हैं और इसके नाखून हरे लाल कलर के होते हैं, आंखों में कोई भी पुतलियां नहीं होती, और ये बिल्कुल उन्हीं लोगों के जैसी थी जिन्हें जो यान की बेटी जो यूली ने मारा था, और ये किलिंग हेवन का मैनेजिंग पर्सन है और उसकी कंप्लीट पावर इतनी पावरफुल है कि कोई भी आसानी से उसे हल्के में लेने की हिम्मत नहीं कर सकता था। और इस टाइम पे उसके सामने एक फिगर घुटने टेक कर बैठी हुई होती है जिसकी बॉडी पूरी तरीके से कांप रही थी और माथे से ठंडा पसीना बह रहा था, और सामने बैठी फिगर अपने सामने घुटने टेके बंदे की तरफ देखने के लिए अपना सिर उठाती है और तुरंत ही कहती है जाओ ताई मुझे बताओ, अगर तुम साफ तौर पर नहीं बताते तो मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। हॉल में एक दर्जन प्लस जो लोग होते हैं वो तुरंत ही खड़े हो गए होते हैं, साथ ही सभी के सभी लोग किलिंग स्काई के सीनियर एल्डर्स थे, और ये बंदा था गुआनर जो यहाँ डिसीजन ले रहा था। बाकी के सभी किलिंग हेवन के मामले उन्होंने एल्डर के ऊपर छोड़ रखे थे, साथ ही चाओगे और बाकी लोगों की मौत की जो खबर थी जल्दी फैल गई होती है, यहाँ तक कि हेवन ह्यूमन मैंसन के लोगों को भी किलिंग हेवन में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी, और अगर आप इसमें एंटर होना चाहते हो तो आपको गुआनर की इजाज़त लेनी होगी। लेकिन चाओगे और बाकी लोगों को बिना पता चले ही गुआनर को बिना पता चले ही अंदर कैसे चले गए थे, और जाँच करने के बाद इन्हें झाओ ताई के बारे में पता चलता है। तभी जाओ ताई तुरंत ही कहता है ये चाओगे ही था जो मुझे धमकी दे रहा था, गॉड गुआनर मैं वास्तव में हेल्पलेस था, मैं पर्याप्त स्ट्रांग नहीं हूँ और मेरा चाओगे के साथ कोई मुकाबला नहीं, अगर मैं मना कर देता तो चाओगे मुझे मार डालेगा। जाओ ताई की आवाज़ कांप रही होती लेकिन वो रोता नहीं है, जो सुनकर गुआनर की बॉडी हल्का सा कांपती है और आगे की तरफ आती है, उसके हाथ उसके जांघों पर टिके हुए होते हैं और चेहरा जाओ ताई के क्लोज आ जाता है, और वो कोल्ड आवाज़ में कहता है अगर किलिंग हेवन में सभी एल्डर्स आपके जैसे कायर हैं तो फिर यहाँ पे रूल कैसे अप्लाई होंगे, क्या आप नहीं जानते कि रूल्स को वायलेट करने का रिजल्ट क्या हो सकता है। तभी वो तुरंत ही कहता है जाओ ताई कि उसने मुझे दबाने के लिए हेवन ह्यूमन मैंसन के नाम का यूज किया, मुझे नहीं पता था कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है और कैसे पीछे हटना है, मुझे उम्मीद है कि गॉड गुआनर मेरी जान बख्श देंगे। और जाओ ताई हॉल के फर्श पर माथे को जोर से मार रहा होता और धीमी आवाज़ में कह रहा होता है दोस्त। तब गुआनर अपनी आँखें सिकोड़ लेता और जाओ ताई की तरफ देखता है और फिर अपनी भुएं रगड़ते हुए कहता है ऐसा लगता है
कि ग्वानर को चौगे और बाकी के लोगों की मौत की ज़्यादा परवाह नहीं थी। साथ ही पर्सनली उसका एक्शन लेने का भी कोई इरादा नहीं था। हालांकि वे सभी लोग बेवकूफ़ थे और मरने के लायक थे, लेकिन वे अभी भी मेरी हेवनली मैंसन के मेंबर थे और मेरे हेवन ह्यूमन मैंसन के लोगों को मरने की हिम्मत कैसे हुई किसी की। वो तुरंत ही कहता है, मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ करने और कुछ लोगों को गोड किलर इनिना में ले जाने का मौका दूंगा। इस मामले की पूरी जांच करो और पता लगाओ कि चाओगे को किसने मारा और मुझे उसका सेला कर दो, वरना मैं तुम्हारा सिर यहाँ से लेकर जाऊँगा। और ग्वानर काफ़ी आलसी होता है। दूसरा उसकी बात को सुनकर झाउता तुरंत ही कांप गया होता है और मुठिया सामने की तरफ लाते उसे ग्रीट करता है, क्योंकि कम से कम उसके पास एक मौका है। साथ ही झाउताई को पता था कि उस स्ट्रांग पर्सन को हराने के लिए कुछ हद तक वो आश्वस्त था। आखिरकार जो चाओगे को मार सकता है वो उसे भी मार सकता है, और चाओगे और बाकी के लोगों को मारने में कैपेबल होने का मतलब था कि पर्सन को स्ट्रांग होना चाहिए। तभी वो तुरंत ही कहता, आपको अपने हाथों में 100 क्लिंग पपेट ले जाने की इजाज़त है। आप गॉड किलर हेवन में जाने के लिए अपनी पावर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे कर नहीं सकते तो आप मर सकते हैं। और इतना कहने के बाद ग्वानर अपने हाथ को उठाते हुए झाउताई को बाहर जाने के लिए कहता है, और झाउताई भी एग्री होने के बाद जल्दी से हॉल के बाहर चला गया होता है। झाउताई शुरुआत में डरपोक था, लेकिन उसने अचानक ही एक निराशाजनक सिचुएशन अपने चेहरे पर दिखाई होती है। लकीली झाउताई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उदास होता है, क्यों उसे चाओगे के बैटल स्किल के लालच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो तुरंत ही कहता है, लकीली बैटल स्किल का ये स्कोर अभी भी पूरा नहीं है, इसीलिए इसे अभी भी हाफ क्रिएशन लेवल पर माना जाना चाहिए। झाउताई इतना बड़ा जोखिम लेने के लिए चाओगे से बहुत नफरत करता था कि साला आधा सेमी क्रिएशन टेक्निक देकर इतना बड़ा काम करा ले गया कि इस टाइम पे उसकी जान भी जोखिम में है और ऑब्वियसली वो हाफ क्रिएशन लेवल की टेक्निक के लायक नहीं है। लेकिन अब झाउताई के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो यह तो चाओगे को मारने वाले पर्सन को गॉड किलर एरिना में ढूंढ सकता था। हालांकि चाओगे झाउताई से काफ़ी स्ट्रांग था। झाउताई के पास 70 मिलियन स्टार है और वो ओरिजिन को स्टार के साथ लेटेस्ट है 7 स्टार फाइटिंग गॉड है। हालांकि पावर कमज़ोर नहीं है, लेकिन झाउताई जानता है कि बाहर भी लोग हैं जो लेटेस्ट आज 7 स्टार फाइटिंग गॉड को आसानी से मार सकते हैं, जबकि चाओगे एक 8 स्टार फाइटिंग गॉड था जिसके पास 100 मिलियन युआन के स्टार थे, लेकिन उन सभी लोगों को मार डाला गया। बेशक सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस पर्सन ने चाओगे को मार डाला था वो बिल्कुल भी नहीं डरता हेवन ह्यूमन मैंसन से, जिसके कारण झाउताई और भी ज़्यादा फटी में था और वो अपने दिल में सोच रहा होता कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। साथ ही अंदर जाने से पहले ही झाउताई की फटकर फ्लावर पॉट हो चुकी होती है। हालांकि गॉड किलर एरिना के अंदर अपनी पावर को जुटाने में कैपेबल होना जीत की पॉसिबिलिटी को बढ़ा सकता था, लेकिन मौजूदा सिचुएशन का सामना करते हुए झाउताई के पास अब कोई रास्ता नहीं था। चाहे वो अपने दिल में कितना भी ज़्यादा अनिच्छुक क्यों ना हो या डरा हुआ क्यों ना हो या फिर पावर का यूज़ क्यों ना करे, आखिरकार उसे आगे बढ़ना ही होगा। बेशक ये खुद को तसल्ली देने के लिए झाउताई के वर्ड थे, लेकिन अगर वो लड़ने से पहले ही कॉन्फिडेंस खो देता है तो निश्चित तौर पर वो मार दिया जाएगा। साथ ही जल्दी से तैयारियों के बाद झाउताई सैकड़ों पपेट को लेकर किलिंग गॉड पपेट्स को लेकर गॉड किलिंग हेवन के अंदर इंटर कर चुका होता है, और इसमें टाइम निकल जाने के बाद इंटर होने वाले पर्सन केवल हाई लेवल के लीडर्स ही हो सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये अगेंस्ट ऑफ रूल था और लंबे समय के बाद आखिरकार अब यहाँ पे ऐसा हुआ था जिसे ये कहा जा सकता था कि झाउताई ने एक मिसाल कायम कर दी है और चाओगे और बाकी के लोगों को इसमें भेजना पहले से ही रूल्स को वायलेट करने के जैसा ही था। झाउताई ने सोचा था कि चाओगे अपने टारगेट को सक्सेसफुली मार देगा, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वो वास्तव में अंदर मर जाएगा, और इसीलिए अब उसके पास इंटर होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद गॉड किलर एरिना के हेवन के ऊपर जो यानो बाकी के लोग रुकते नहीं हैं और ब्लड मून की पहली वेव के बाद और भी स्ट्रॉन्ग बीस्ट धीरे धीरे आने लगते हैं, यहाँ तक कि दूसरे लेवल या कि तीसरे लेवल के भी, यानी कि सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक के बीस्ट। और ये सुनने के बाद तो काफ़ी सारी टीमों ने अपना मन बदल लिया था और इनसे निपटने के लिए उन्होंने आखिरकार अलायंस में शामिल होना शुरू कर दिया था। हालांकि कुछ टीमें बदकिस्मत थी और वे सीधे इन बीस्टों के भेंट चढ़ गई होती है, जिन्हें मारकर बीस्टों ने अपना लंच डिनर और ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया होता है। जैसे ह्यूमंस मॉन्स्टर सोल्स क्रिस्टल को छीन सकते हैं, वैसे ही जो ये बीस्ट हैं वो 10 ह्यूमन सोल्स को जमा करने के बाद गॉड किलर एरिना के हेवन को छोड़ सकता है और आगे के लिए अपनी पावर को ग्रो कर सकता है। इसलिए यहाँ के एशियन बीस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और एक्टिव तौर पर ह्यूमंस पर अटैक करते हैं, इसलिए यहाँ पे ह्यूमंस की दर्द भरी आवाज़ों को और चीखों को सुना जा सकता था। यहाँ चारों तरफ ह्यूमंस के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनी जा सकती थी, और एक हमें डिसाइडिंग वैली दिखाई देती है जहाँ आयरन विक्स वाला एक ग्रीफिन जमीन पर गिर गया होता है और यहाँ पे उसकी के सामने जियो यान हाँप रहा होता है और जियोन का मिस्टीरियस रूलर जमीन में गड़ा हुआ होता है। यहाँ पे जियोन जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके लड़ने की कोशिश कर रहा था, खासतौर पर जियो यूली को एक्शन ना लेने के लिए उसने कहा होता है, और इन चारों ओर सेकेंड रैंक के बीस्टों को देखकर जियोन उन्हें मिलकर मारने के लिए काम कर रहा था। हालांकि जियोन की ताकत 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच गई थी,
और 10 डेमोनिक फ्लेम की ब्लेसिंग के साथ जॉन 50 मिलियन तक कोई को बढ़ा सकता था। फिर भी सेकंड रैंक के वीस्ट से निपटना अभी भी काफी मुश्किल था। साथ ही यहाँ पे लेजी और जियांसू वो सेना में शामिल हो गई थी, जबकि बुजैन कमजोर था, फिर भी वो दहाड़ते हुए कड़ी मेहनत करते हुए लड़ाई कर रहा था। साथ ही उसकी ताकत में काफी नुकसान हुआ था, लेकिन बुजैन कभी भी नहीं घबराया, जिससे तो जियान भी काफी प्रभावित हुआ था कि बंदे की पावर नहीं है पर लड़ रहा है। साथ ही थर्ड रैंक के जो बीस्ट होते हैं, साथ ही थर्ड एशियन बीस्ट था जिसे जॉन ने मारा था। जॉन पहले ही दो सेवन कलर के सोर्स क्रिस्टल बीस्ट को मार चुका था और एक एट कलर के सोर्स क्रिस्टल को भी जॉन पा चुका होता है। साथ ही जॉन के पास कुछ पांच रंग और छह कलर के भी सोर्स क्रिस्टल होते हैं। जॉन ने जियांसू को सेवन कलर का क्रिस्टल दे दिया होता है, बुजैन को फाइव कलर का और सिक्स कलर का सोर्स क्रिस्टल, और अपने लिए भी कुछ सेवन और एट कलर के सोर्स क्रिस्टल रखे हुए होते हैं। जिसके बाद जॉन बैठ गया होता है फिर से, क्योंकि आसमान धुंधला हो गया होता है और ब्लड मून के तहत दूसरी भी टाइट जल्दी आनी चाहिए। यहाँ पे जो यूली जॉन को बताती है, जो देखकर जॉन तुरंत कहता है यूली मेरे रक्षा करता है, मतलब यूली मुझे प्रोटेक्ट करेगी। और इतना कहने के बाद जॉन सेवन कलर के सोर्स क्रिस्टल को अब्सॉर्ब करना कंटिन्यू करता है, क्योंकि जॉन फाइट में काफी थक गया था। साथ ही जो यूली भी जॉन के पागल कल्टीवेशन और तरीके को देखकर हिल गई होती है। वो जानती थी कि जॉन ऐसे कल्टीवेट करता है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पापा इतना ज़्यादा हार्ड कल्टीवेशन करते हैं क्यों, बल्कि उसे आने वाली फाइट के बारे में भी पता नहीं था। लेकिन यूनर ऑब्वियसली जो यान के बारे में अच्छे से समझ रखती थी, और जो यान के सुंदर चेहरे है, जॉन के चेहरे को देखकर उसके सुंदर चेहरे पर भी परेशानी झलक रही थी। उसे पता है कि जॉन काफ़ी ज़्यादा प्रेशर को अपने साथ लेकर जा रहा है, इसलिए उसे भी काफ़ी प्रेशर और उदासी फील होती है। आखिरकार जो यान, जिसने एक बार उसके लिए कड़ी मेहनत की थी और अपने आप को हर मुमकिन लेवल पर झोंक दिया था, वो वाला जियान को कैसे नहीं समझ सकती थी। दूसरा, इस क्रिस्टल के साथ जो यान की जो सोर्स हुई खत्म हो चुकी थी, उसके अंदर को कंडेंस होना और आप बढ़ने लगा होता है, और तो और क्वांटिटी काफ़ी स्पीड से ग्रो हो रही होती है। साथ ही साथ गॉड किलर एरिना हेवन में इस तरीके की फाइटें कंटिन्यू चलती रहती है और ट्रेनिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह थी। साथ ही फर्स्ट सोर्स क्रिस्टल जो सेवन स्टार का होता है गायब हो गया होता है, और जो यान को आधे मिलियन की कोई का इजाफा मिला होता है, जैसे जॉन के स्टार सी में अब 8 मिलियन स्टार हो गए थे। लेकिन इस टाइम पे जॉन रुकता नहीं है और हाथ में 8 कलर का सोर्स क्रिस्टल दिखाई देता है, जिसके बाद जॉन आके बंद करके इसे भी अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। और जब जॉन कल्टीवेट कर रहा था तो आसमान पूरी तरीके से काला हो गया था, और कुछ काले बादलों के बाद ब्लड मून दिखाई देता है, और हर बार ब्लड मून का रंग पहली बार की तुलना में ज़्यादा डार्क लग रहा था। जैसे ही ब्लड मून दिखाई दिया होता है, आसमान में अनगिनत चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी थी और धरती कांपने लगी होती है। ये कौन से चूतिया भंड बीस्ट हैं जो ब्लड मून को देखने के बाद ही इनके अंदर का खून खोलता है, अबे पहले से जाके अटैक कर दो। साथ ही जिस घाटी में जो यान था वहाँ लाइट की एक रेज गिरी होती है और पूरी घाटी में लाल रंग की चांदनी बह गई होती है, और उस लाइट की दिशा में देखते हुए जो यान देखते हैं फोर आई वाली एक फॉक्स, जो देखकर जो यूली तुरंत कहती है फादर ये फोर्थ रैंक का क्रूअल बीस्ट है। जियांसू और लेजी भी फोर आई वाली स्पिरिचुअल फॉक्स को देखती हैं तो उनकी बॉडी से पावरफुल और अनलेस होने लगता है। आखिरकार फोर्थ है लेवल के बीस्ट के बारे में कोई शक करने की जरूरत नहीं थी कि वो एट स्टार फाइटिंग गॉड के बराबर होगा, जिसकी बॉडी में कम से कम 100 मिलियन युआन कोई फाउंडेशन होगा। सतीष्टम पे अपने खोपड़ी के ऊपर फोर आई वाली इस फॉक्स को देखकर, जिसकी आंखें बैगनी रेड कलर की होती है, उन्हें देखकर कई ऐसे लोग जो कल्टीवेट नहीं कर रहे थे उनका सिर अचानक ही डूबने लगता है और सब कुछ उन्हें धुंधला लगने लगता है। और फोर आई वाली जो ये स्प्रेड फॉक्स होती है, ये पर्पल रेड धुएं के गुबार में बदल चुकी होती है और अचानक जो यानो सभी के सिर के ऊपर से गायब हो गई होती है। और इसके बाद जब ये अगली बार अपीयर होती है तो इसकी आंखों से चार पर्पल फ्लेम लाइट निकलती है जो सीधे इन लोगों की तरफ बढ़ती है। तभी जो यूरी तुरंत ही कहती है तो क्या तुम मुझे चकमा देना चाहती हो, तुम दूसरों को चकमा दे सकते हो और दूसरे तुम्हारे चक्कर में आ सकते हैं। अगर तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे चक्कर में आ जाऊंगी तो आज एक घंटा मैं आज फॉक्स सूप पीऊंगी। और इतना कहते हो वो डेथ सिक अपने हाथ में उठा लेती है, जिसकी ब्लैक लाइट 100 फीट लंबी फ्लैश के साथ निकलती है, और ये ब्लैक लाइट सीधा ही चार पर्पल रेड लाइट से जाकर टकराती है, और इनके बीच कोई भी कंपेरिजन नहीं था। ये ब्लैक लाइट फ्लैश उन चारों ही लाइट स्लैश को सीधा ही सप्रेस कर देता है और फोर आई फॉक्स की तरफ बढ़ जाता है। ये सीन देखकर जो फॉक्स होती है, जो डॉच करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थी, तुरंत ही पर्पल फॉग में बदलकर यहाँ से बच जाती है। उसका डायरेक्ट आमने सामने की फाइट करने का कोई विचार नहीं था, उसका मूड सीधा था यहाँ से जिंदा निकलो। दोस्तों जो यूली से मार सकती थी लेकिन उसके पास ऐसा कोई थॉट नहीं था। आखिरकार पीछे जो यान और यूनर पर नजर डालती जो क्रॉस लेग बैठे हुए होते हैं, अगर ये नॉर्मल टाइम होता तो वो ऐसा कर भी सकती थी, किस
फॉक्स का सिर अपने हाथों से काट लाए, लेकिन अब सिचुएशन अलग थी। उसके फादर और मदर दोनों पीछे थे, इसीलिए उसे उन्हें प्रोटेक्ट करना था। साथ ही यहाँ पे जियांसु और बाकी के लोग भी आखिरकार रिएक्ट करते हैं, क्योंकि फोर स्प्रिट है फॉक्स को पहले ही जियांसु और बाकी लोगों ने हरा दिया था, जो यूली ने हरा दिया था। पल के शांत होने के बाद फिर से दहाड़ सुनाई देती और पर्पल ब्लैक लायन वहाँ पे अपेयर होता, जो कि रैंक थर्ड का वीस्ट था। साथ ही बड़ी बड़ी हथेलियों का एक जोड़ा बाहर आता है जो सब कुछ फाड़ने में कैपेबल लग रहा था। जो यूली जब इस वीस्ट को सीधा अटैक करते हुए देखती है तो डेथ स्टिक को घुमा देती है और ब्लैक लाइन्स निकलती है। भले ही ये बीस्ट काफ़ी पावरफुल एशियन बीस्ट हो, जो यूली का डेथ स्टिक बेहद पावरफुल था, जिसके सामने ये सभी लोग अनसिक्योर लग रहे होते हैं। और जो यूली पर्पल अंडरवर्ल्ड लायन को भी एक्शन लेने से पहले रिएक्शन दे देता है। हालांकि तभी वहाँ पे कुछ व्हाइट फॉग दिखाई देती है, जिससे ऐसा लग रहा होता कि कुछ लोग हैं जो अभी भी पर्पल अंडरवर्ल्ड क्रेजी लायन का शिकार करना चाहते हैं। दूसरा लेजी और जियांसु दोनों ही बाहर चले गए होते हैं और अपनी सोर्स एनर्जी को अनलिस्ट कर दिया होता है, और उन दोनों की सोर्स एनर्जी एक दहाड़ के साथ 20 मिलियन तक पहुंच गई होती है, जो सनातनी हुई वाइट शैडो की तरफ चली गई होती है। तभी वहाँ पर डार्क वाइट टाइगर किंग भी अपेयर होता है और दोनों ही रैंक थर्ड के क्रूएल एशियन बीच थे, जो कि टाइम पे सेना में शामिल होकर आ गए थे। और दोनों का कंपैरिजन एट स्टार फाइटिंग गॉड के बराबर किया जा सकता था, लेकिन एक बार सेना में शामिल होने के बाद इन दोनों क्रूएल बीस्टों का शिकार किया जाना लगभग मुश्किल ही था। दोस्त अब ये बीस्ट लेजी की तरफ दौड़ने लगता है और एक धमाके के साथ लेजी की फिगर सीधे जमीन पर गिरती है, लेकिन धुएं में लेजी की फिगर तोप के गोली की तरह उड़ गई होती है। वो तुरंत ही कहती है, अगर मेरी पावर चली नहीं गई होती तो तुम्हारे जैसे चींटी द्वारा मुझे कैसे धमकाया जा सकता था। लेजी के पास अभी केवल 7 स्टार स्टार्टिंग लेवल की पावर थी, भले वो हार गई हो लेकिन उसकी फिजिकल पावर अभी भी इतनी स्ट्रांग थी कि उसे बीट कर पाना काफी मुश्किल था। दूसरी तरफ एक दर्द भरी दहाड़ सुनाई देती है और दूसरे वार्डों में जो पर्पल टाइगर था वो चिल्ला रहा था और बेतहाशा खून बह रहे होते और इनर ऑर्गन्स निकले हुए होते हैं। या लेजी और जियांसु व्हाइट टाइगर बीस्ट के साथ फाइट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ एक ब्लैक लाइट साइन होती है और टाइगर का क्लॉक खट गया होता है, जिससे सेंटर में दो तेज चीखें सुनाई देती हैं। और ये दोनों ही क्रूएल बीस्ट 4 आई वाली फॉक्स की तरह ही थे। वे जानते हैं कि वो इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे, इसलिए ये भी यहाँ पे भागने लगते, लेकिन डार्क व्हाइट टाइगर किंग इतना लकी नहीं था। वो जैसे ही अपने सिर को घुमाता उसके सामने एक ब्यूटीफुल फिगर डेथ स्टिक लेकर खड़ी हुई होती है, जो सीधे उसे लहराते हुए टन टनाना टाए टाए टल देती है। जो यूली की डेथ स्टिकल सीधे उसे दो टुकड़ों में काट देती है और उसके कोर को अपने पास रख लेती है। साथ ही वो इस अंधेरे में अपने ऑरे को अनलिस्ट करते हुए आसपास की चीज़ें देख सकती थी। साथ ही सौरे ने जियांसु और लेजी को भी डरा दिया होता है। तभी जियांसु कहती है, इतना स्ट्रॉन्ग, और उसका चेहरा काफ़ी शॉक होता है। तभी लेजी कहती है 8 स्टार फाइटिंग गॉड लेवल के बीस्ट को एक अटैक में ही रफा दफा कर दिया। हालांकि इसने अपने सिकल से ऐसा कर दिया था, लेकिन ऐसा करने के लिए किस लेवल की पावर की जरूरत होगी? क्या वो इमॉर्टल हो सकती है? जियांसु अभी भी झटके में होती है। उसके मन में ऐसा लग रहा था कि ये अभी भी इसका नॉर्मल अटैक था, लेकिन ये झटका पहले से इतना खतरनाक था। साथ ही ब्लड मून बीस्ट टाइट के सामने कहीं का इलाका भी शांत नहीं था। अंधेरे में चारों तरफ फाइटें हो रही होती हैं और स्ट्रॉन्ग गौरे अनलिस हो रहे होते हैं, और किलिंग गॉड स्काई में हर जगह चीखें सुनी जा सकती थी, और ये अननोन था कि कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही ब्लड मून में जब बीस्ट की दूसरी लहर दिखाई देती है तो कई टीमों ने तो अपनी पहचान बदल ली होती है और छिप गई होती है या फिर अलायंस में शामिल हो गई होती हैं। तो कुछ बीस्ट भी सीधा ही झुंड में अटैक करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो एक ही बार में इन्हें मारकर अपनी बराबर सोल्स को कंडेंस कर सकते थे। साथ ही फोर्थ लेवल के जो एशियन बीस्ट थे वो बराबर सोल्स को अब्सॉर्ब करने के बाद फिफ्थ रैंक पर अपग्रेड हो सकते थे। हालांकि गॉड किलर एरिना में इंटर करने वाले लोगों में 8 स्टार के भी काफ़ी सारे फाइटिंग गॉड थे और 7 स्टार के भी, लेकिन रैंक फिफ्थ के बीस्ट का सामना करना 7 स्टार लेवल के वॉरियर के लिए सेफ नहीं था। ना ही वो रैंक फिफ्थ के बीस्ट के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। फिफ्थ रैंक के एशियंट बीस्ट गॉड किला एरिना के अंदर लगभग अनबीटेबल माने जाते हैं, और इन सभी एशियंट बीस्ट के बीच में उनका जो औहदा है वो एक एम्परर के जैसा है। साथ ही वैली के अंदर जो यूली द्वारा डार्क व्हाइट टाइगर किंग को मारने के बाद लंबे समय तक वैली शांत नहीं होते, और एक के बाद एक कुछ नुकीले और बीस्ट यहाँ पर अटैक करते हैं। कुछ क्या के हीरे जैसी होती तो किसी की जो स्किन होती है वो काफी हार्ड होती है। साथ ही वहीं पे एक पतली ह्यूमन फिगर दिखाई देती है जिसके पीछे काफी पावरफुल ऑरे होते हैं, जिसे देखकर जो यूली तुरंत ही कहती है, पर्पल इलेक्ट्रिकल डेमन मार्टिन। उसने एक नज़र में इसे पहचान लिया था, हालांकि वो पूरी तरीके से इसे समझने में कैपेबल नहीं हुई थी, लेकिन जो यूली मूल तौर पर सेनेक्सी वर्ल्ड के ज्यादातर बीस्टों को जानती थी। तो यहाँ पे जॉन भी एक लंबी सांस लेता और अपनी आंखें खोलता, हालांकि वो
चुपचाप कल्टीवेट कर रहा था जो यान को भी पता था कि चारों तरफ खतरनाक फाइट हो रही है, इसलिए वो बिना किसी हिचकिचाट के खड़ा हो गया होता है और चट्टान की चोटी पर पर्पल इलेक्ट्रिकल डेमन मार्टन को देखता है जो दूर से एक बच्चे की तरह खड़ा था और उसकी अपनी जोड़ीदार जानवरों की आंखें लाइटिंग की तरह चमकते हुए सभी को देख रही होती है। साथ ही उसकी गहराई में बाईं और दाईं ओर दो बड़े बड़े सिर होते हैं और दो स्पाइक्स ब्लड लिजार्ड्स होती हैं। जॉन ने अपना कल्टीवेशन कंप्लीट कर लिया था लेकिन यूनर का कल्टीवेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। साथ ही जो यूली ने भी यहाँ से डिस्टेंस क्रिएट नहीं की थी क्योंकि वो न केवल जॉन को प्रोटेक्ट कर रही थी बल्कि वो अपनी माँ को भी प्रोटेक्ट करना चाहती थी। और पर्पल इलेक्ट्रिकल डेमन मॉर्टन के आने के बाद एक पर्पल थंडर में बदल कर वो काफ़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ती है जिसकी स्पीड इतनी तेज होती कि जॉन की आंखें सिकुड़ गई थी और वो एक्शन लेने में भी कैपेबल नहीं था। तभी वहाँ पर लोहे की फटने की आवाज़ आती है और जो यूली उसकी स्पीड के बराबर होती है जिसके कारण पर्पल डेमन मार्टन को रुकना पड़ता है। हालांकि ये कोई नॉर्मल विष नहीं था, वो निश्चित तौर पर एक अट्रैक्टिव रैंक 5th का एशियन विष था जिसके अटैक भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। साथ ही उसकी आंखें भी काफ़ी ज़्यादा एक अलग ही मैजिकल ऑरे से भरी हुई होती हैं। साथ ही इस मार्टिन को अपनी पावर पर पर्याप्त भरोसा था और यह 10वीं बार है जब वो शिकार करने के लिए किलिंग हेवन में एंटर हुआ था। साथ ही मार्टिन बहुत चालाक भी था, पर्याप्त लोगों को मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता और उसका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट भी था। और इन लोगों को मारने के बाद वो इन लोग बाकी के बचे हुए लोगों को जाने देगा और अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए पीछे हट जाएगा। लेकिन आज उसकी किस्मत ख़राब थी, इस बार उसने लोहे पे नहीं बल्कि वाइब्रेनियम पे पैर नहीं बल्कि खोपड़ी दे मारी होती है। साथ ही जॉन को पता था कि रैंक 5 के भीष्ट के अंदर कम से कम 9 कलर सोर्स क्रिस्टल तो होना ही चाहिए, इसीलिए पर्पल थंडर मार्टिन की आंखों में जॉन ने कुछ अजीब भी देखा था। साथ ही गॉड किलर एरिना में जिंदा रहने में कैपेबल है जिसका मतलब इसने स्ट्रांग एक्सपीरियंस बैटल्स को फील किया होगा और अनगिनत स्ट्रांग लोगों को भी मार डाला होगा। साथ ही इस टाइम पे इसके जो दो कांटेदार ब्लड लिजर्ड होते हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था वो लेफ्ट और राइट से जो यूली की तरफ दौड़ पड़ती हैं और उनके तेज पंजों पे लाइट चमकने लगती हैं और उनके मुंह चौड़े हो गए होते हैं जिनसे हरा पॉइजन वो बाहर की तरफ फेंकती हैं। लेकिन तभी अगल बगल लेफ्ट राइट दो ब्लैक स्लैश साइन होते हैं और दोनों ब्लड लिजर्ड तेजी से दहाड़ने लगती हैं और इन ब्लैक लाइट के सामने उनकी सांसें थम गई होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो दो ब्लड लिजर्ड थे ये रैंक 3 के क्रूअल बीस्ट थे जिसे जो यूली ने ऐवे ही मार दिया होता है। दूसरी ये दो लेजी और जियांसू आपस में बात करते हुए कहती हैं कि इस लड़की के पास हालांकि इमॉर्टल लेवल की पावर नहीं है लेकिन उसके अटैक पहले ही इमॉर्टल लेवल पर एंटर कर चुके हैं। ऐसा लगता है कि उसके नस नस में स्टार पावर है जो काफ़ी खतरनाक है। उसके अटैक बेहद ज़्यादा इजी दिखते हैं लेकिन ये बेहद स्ट्रांग है। साथ ही उसके हाथों का जो वेपन है ऐसा लगता है वह वन शॉट किल है। साथ ही एकमात्र व्यक्ति इमॉर्टल लेवल के बारे में बात कर सकती थी और वो थी लेजी जो कि एक बार इमॉर्टल थी। केवल लेजी ही जानती कि इमॉर्टल लेवल की पावर क्या है और जो यूली किस लेवल की पावर को समझ रही है। दूसरी जो अंशु की आंखें सिकुड़ गई होती हैं और वो तुरंत ही कहती है हालांकि उसका वेपन अलग है, उसका मोटिव एक ही है। हालांकि ये जो डेथ सिकल है ये स्लॉट की तरह इजी टू यूज नहीं है लेकिन जियांसू के नज़र में जो यूली की जो अटैक टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। लेकिन जियांसू को समझ नहीं आ रहा था कि जो यूली ने ये किया कैसे, ना ही लेजी एक इंच तारों के इकट्ठा करने का मतलब बता पाई। उसकी आंखें केवल सदमे से जो यूली को देख रही होती कि किस लेवल की पावर है जिससे वो भी नहीं समझ पा रही। साथ ही जो यूली के पावर और अटैकों को देखते हुए इन्हें समझने का कोई तरीका भी उसे नहीं मिल रहा होता। लेकिन उसे पता था कि ये देखकर उसे फाइट में एक न्यू डायरेक्शन मिल सकती है और कुछ नई समझ हासिल हो सकती है। दो थॉर्न लेजार्ड को मारने के बाद जो यूली इस टाइम के दौरान पर्पल थंडर डेमन मार्टिन को देख रही होती है और थंडर मार्टिन बोल्ट में बदलकर दूर उड़ गया होता है। लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाता व्हाइट लाइट अचानक ही साइन होती है जिससे आसपास का एरिया दिन के उजाले में बदल जाता है। सब कुछ चमकीला हो गया होता है और एक बड़ा सा रूलर गिरता है जो सीधा ही मार्टिन को हिट करता है और मार्टिन एक धमाके के साथ सीधा ही जमीन में जाकर गिरती है जिसके बाद जॉन की फिगर सामने आती जिसका ओरिजिन कोई सी 8 मिलियन तक पहुंचने के बाद जॉन काफी स्ट्रांग फील कर रहा था क्योंकि पिछले 3 एशियन क्रूअल बीस्टों के साथ निपटने के बाद जो यान की पावर बढ़ाने में उसे काफी अच्छा मिला था रिजल्ट। और अब जो यान का फाउंडेशन 9 मिलियन तक पहुंच गया था, 8 मिलियन के बाद और भी बढ़ाया है ना जॉन ने। और अगर अब जो यान 10 डेमोनिक फ्लेम का यूज करता है तो जॉन की पावर 60 मिलियन तक पहुंचने में कैपेबल हो सकती थी। और जॉन की पावर में सुधार के साथ उसके सोर्स एनर्जी में भी सुधार हो रहा था जिससे डेमोनिक फ्लेम की पावर भी बढ़ रही थी। दूसरे वर्ल्ड में जॉन जितना स्ट्रांग होगा डेमोनिक फ्लेम उतनी स्ट्रांग होगी और जॉन उतनी ज्यादा उसकी पावर का यूज कर पाएगा। साथ ही जॉन 60 मिलियन ओरिजिन कोई फाउंडेशन के साथ सीधा ही उस बीस्ट के सामने आ जाता है और इस पावर के साथ जो यान लेटेस्ट 7 स्टार फाइटिंग गॉड के क्लोज हो सकता है।
वो इस टाइम पे पर्पल डेविड मार्टिन को रोकने के लिए एक्शन लेता है। साथ ही एक झटका उस पर लगा था, लेकिन अगले पल जॉन को डराने वाली एक पावर उसकी ओर आती है और तीन पर्पल थंडर क्लो अटैक वॉइड को छेदते हुए जॉन की तरफ बढ़ते हैं और इस पावरफुल प्रेशर ने जॉन को लगभग स्टेबल कर दिया था। जॉन को लग रहा था इस अटैक से बचना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन तभी एक जोर का धमाका होता है और जॉन के सामने काली मिर्च दिखाई देती है जो एक लाइन में जम गई थी। और जियो यूली जॉन के सामने डेथ सेक को पकड़े हुए अपेयर होती है जो इस मार्टिन के अटैक को रोक देती है। दोस्त अब अपने अटैक को फेल होता हुआ देखकर थंडर मार्टिन, उसका इरादा साफ था, वो जियो यूली से डरता था इसलिए वो यहाँ से भागना चाहता था। हालांकि वो खासतौर पर जॉन को मारना चाहता था और उसकी सोल को लेकर भागना चाहता था, लेकिन मार्टिन को पता था कि अगर जियो यूली उसे बचाना चाहती तो उसे मारना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा और अगर वो यहाँ रुका तो उसकी जान भी यहीं चली जाएगी। तभी जियो यूली कहती, फादर आप वापस जाएं और यूनरवा को प्रोटेक्ट करें, इस मार्टिन को आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, मैं बस कुछ सेकंड के अंदर ही सोर्स क्रिस्टल के साथ वापस आ जाऊंगी। जिस पे जियो जान भी से लाता है और जियो यूली यहाँ पे ब्लैक फॉग में बदल कर गायब हो गई होती है और उसकी स्पीड मार्टिन से कम नहीं होती जो पर्पल थंडर में बदल कर यहाँ से भाग गई थी। दोस्तों जो यहाँ जियो यूली को देखता है उसका पीछा करते हुए तो उसके मन में कोई भी थॉट नहीं होता। उसे अच्छे से पता था कि अगर जियो यूली ना आई होती तो अभी इस अटैक से भले ही वो मरा ना होता लेकिन इंजर्ड हो गया होता। और फिफ्थ रैंक का एसेंट बीस्ट भले ही जॉन की पावर बढ़ चुकी हो और 10 डेमोनिक फ्लेम का भी जॉन के पास आशीर्वाद हो, वो उसके साथ भी उसे नहीं हरा सकता था। आखिरकार पर्पल डेविल मार्टिन काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ काफी होशियार भी, जिसके आमने सामने के मुकाबले के लिए जॉन क्वालिफाई नहीं था। और एक झटके ने एक बार जियो यान को काफी ज्यादा डिमोटिवेट कर दिया था जिसने अभी अभी अपनी पावर बढ़ाई थी। जॉन को ऐसा लग रहा था ये पावर अभी भी फिफ्थ रैंक के बीच से निपटने के लिए काफी नहीं है, जिसके बाद जॉन पीछे हट जाता है और लेजी जियांसु और बुजेन के पास लौट आता है। और इस समय जॉन और जियो यूली एक ही समय में चले गए थे, इसीलिए बाकी के लोग जॉन यूनर को प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे। आखिरकार ब्लड मून में बीस्ट की टाइट चारों तरफ से आ रही थी और यहाँ पे लोगों को बीस्टों को ढूंढने की जरूरत नहीं थी और ये बीस्ट खुद ह्यूमंस को खोजेंगे। और आखिरकार अब किलिंग गॉड का नाम समझ में आता है क्योंकि यहाँ पे बीस्टों द्वारा गॉड्स को मार दिया जाता है। साथ ही ब्लड मून कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई एक पर्सन संभाल सकता था, साथ ही किसी को भी नहीं पता था कितने साइक्रल बीस्ट आते कहाँ से हैं, कि अब वास्तव में अपनी लाइफ की कीमत पर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बुजेन भी यहाँ पे काफी क्यूरियस होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता ये सब हो कैसे रहा है। आखिरकार गॉड किलर एरिना में फाइटिंग गॉड के अलावा जो इस जगह पर एंटर करते हैं और खुद की पावर को बढ़ाते हैं ये बीस्ट भी थे जो कि यही प्रोसेस फॉलो करते थे, लेकिन इनमें से कुछ बीस्ट अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करके हमेशा बने रहते हैं, लेकिन आखिरकार कुछ लोग होते हैं जो इन बीस्टों के हाथों में पड़ जाते हैं। पर वास्तव में जो भी लोग इस किलिंग एरिना से बाहर निकलने में कैपेबल हो सकते हैं वो ऑब्वियसली एक शानदार और पावरफुल पर्सन होंगे। तभी जॉन कहता है आखिरकार इन क्रूअल बीस्टों को अट्रैक्ट क्या चीज करती है, आखिरकार जो भी इस जगह पर एंटर करता है वो अपनी पावर को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहता है और उसने लॉन्ग टाइम पहले ही लाइफ और डेथ को इग्नोर कर दिया होता है। और इन एशियन बीस्ट के लिए भी यही सच है, लेजी की बातों को सुनकर लेजी इन बातों को सुनकर तुरंत ही सेल आती है, लेकिन वो तुरंत ही कहती कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अभी भी कुछ गड़बड़ है, मुझे तो लगता है कुछ दाल में काला है। साथ यहाँ का जो माहौल होता है अचानक शांत हो गया होता है और जॉन तुरंत कहता नहीं रास्ते से हट जाओ और डोमेन लेवल की स्पेशल पावर आसपास सभी जगह फैल जाती है जिससे जॉन आसपास के एरिया को कवर कर लेता है और जॉन की मुँह चढ़ गई होती है, जिसके बाद जो यान तेजी से यूनर की कमर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और वह तेज स्पीड के साथ पीछे की तरफ चला गया होता है। हालांकि लेजी और जियांसु और बुजेन इस पर ध्यान नहीं देते, लेकिन उन सभी लोगों ने जॉन के चिल्लाने को सुना होता है इसीलिए वो भी जियो यान की तरह ही पीछे हट गए होते हैं। और उसी टाइम पे वो जगह जहाँ पर ये लोग थे वहाँ एक खूनी मुंह जमीन से होकर निकलता है जो दर्जनों फीट बड़ा होता है और पत्थरों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लकीली जॉन ने इस बंदे का एहसास ले लिया था और टाइम पर पीछे हट गया था, जिसके बाद ये लोग दांतों से भरे हुए काले छेद को देखते हैं और ये सैंड बॉम होता है जो इन सबके सामने आ गया था, जिसे देखकर हर कोई हैरान था और जॉन को तारीफ कर रहा होता कि लकीली जॉन ने सही टाइम पे इसे बता दिया वरना उन सबके लग गए होते। सत्य हर कोई जब आसमान की तरफ उठता है तो चारों तरफ से धीमे रोर की आवाजें आने लगती हैं। सत्य आसपास वैली से रेड कलर की बीस्टों की आई इन्हीं लोगों की तरफ घूर रही होती है और ऑब्वियसली बिना किसी अपवाद के सभी एशियन बीस्टों में सबसे बिग बीस्ट सेकंड रैंक के बीस्ट थे और ये उनमें से सैकड़ों थे। साथ ही गॉड किलर एरिना में अदर टीमें जो कि छिपी हुई थी वो अचानक शांत हो गई होती हैं, साथ ही उनके आसपास का इलाका शांत हो गया होता है जैसे कि उनके आसपास के एशियन बीस्ट गायब हो गए हों, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। ये सभी एशियन बीस्ट एक जगह पर इकट्ठा थे और वो जगह थे जॉन और बाकी लोगों का। साथ ही चारों लोग यहाँ पे तेजी से शांत होते हैं। जॉन को पता था पहले वाली चुप्पी तेज तूफान की शांति है और अब अनगिनत बीस्टों ने उन्हें घेर लिया है। तभी लेजी भी सीरियस होकर कहती है हम घेरे हुए हैं, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ बहुत सारे एशियन बीस्ट हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि किलिंग स्काई में सभी एशियन बीस्ट यहाँ आ गए हैं।
जानवीर चौंकाने वाले सीन को देखकर काफी हैरान होता है और जानवरों की लेयर्स को देखता है जिसका धीमा रोर चारों तरफ फैला हुआ था। तभी जोयान की नजर एक पर्सन पे फोकस होती है जो धीरे धीरे सैकड़ों फिगर के साथ आगे की तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर जोयान कहता है ये कौन है। सती वो फिगर पास आकर जोयान के ग्रुप के दूर नहीं थी, वो उन्हें देखती है और कोल्ड में कहती है मुझे बताओ क्या तुमने चाहोगे कुमार डाला। जॉन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था, लेकिन उसने कभी भी नहीं सोचा था कि जो यूली का अनुमान सही होगा और कोई उसे ढूंढते हुए आएगा। तभी जॉन कहता क्या कोई समस्या है। जॉन घबराया नहीं होता बल्कि शांति से जवाब दिया होता है, जो देखकर वो तुरंत कहता है दिलचस्प। एक 6 स्टार फाइटिंग गॉड और 7 स्टार फाइटिंग गॉड के दो लोग, आप लोग चाहोगे को कैसे मार सकते हैं। जो सुनकर जॉन स्माइल करता है अपने सिर को उठाकर सामने वाले पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है क्या आप इसे आजमाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इस बंदे का सामना करते जॉन की नजरों में कोई डर नहीं था। दोस्तों इस बंदे की आंखें सीरियस हो गई होती है और वो आसानी से एक्शन लेने की हिम्मत नहीं करता। वो तुरंत कहता है कि आप जानते हैं आपने कितनी परेशानी पैदा की है। मुझे लगता है कि आपने हेवन ह्यूमन मेंशन के बारे में सुना है। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी उन लोगों को मार सकते हैं जो हेवन ह्यूमन से रिलेटेड हैं और उन्हें मारने के बाद आप जिंदा जा सकते हैं। तभी वो तुरंत ही कहता है तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे और अगर तुम जिंदा जाओगे तो सीधा ही हेवन ह्यूमन मेंशन। जो देखकर जॉन कहता है हेवन ह्यूमन मेंशन, हालांकि मुझे इसके बारे में नहीं पता कि वे वहां से हैं, लेकिन उन्होंने ही पहला स्टेप उठाया और गलती उनकी थी, हमने तो बस गलती से उन्हें मार डाला। और ऐसा कहते जॉन हेल्पलेस तरीके से कहता है और जॉन कैसे अपनी आंसर को सुनकर उसका इंप्रेशन पूरी तरीके से हैरान हो गया होता है। हालांकि उसने भी फाइटिंग ऑरिकॉनलिस नहीं किया था, उसके बजाय वो अपने हाथ को उठाता है, ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई पिल निकाल रहा हो और उसके चारों तरफ के क्रूअल बीस्ट उनकी निगाह उस पर जम गई होती हैं और काफी अग्रेसिव हो गए होते हैं। वो धीमी आवाज में रोर करने लगते हैं। तभी वो भी बंदर तुरंत ही कहता है 10 डायरेक्शन मॉन्स्टर क्रिएशन पिल आप लोगों के लिए इनाम में दी जाएगी। और इतना कहने के बाद वो चारों तरफ खड़े हुए क्रूअल बीस्टों को देखता है जो जॉन की तरफ देख रहे थे। उन सभी की आंखें लाल हो गई होती और इंटेंट किलिंग हो गया होता है और वो चौंकाने वाली दहाड़ कर रहे थे जैसे वे अनाउंस कर रहे हो कि हम तुम्हें मारने आ रहे हैं। इन लोगों की नज़र में जॉन केवल एक भी पागल और वीक ह्यूमन ही था जिसे वो अपने दांतों से कुतर कुतर कर मार सकते थे। तभी जॉन कहता है अरे उसकी आंखों में तो अंधेरा छा गया होता, उसने कभी नहीं सोचा था कि बंदा एशियन बीस्टों को भी कंट्रोल कर सकता है और उन्हें ऑर्डर दे सकता है। और इतनी हाई क्वांटिटी में एशियन बीस्ट को देखकर जॉन को पता था कि इमॉर्टल डेमन क्लोन का यूज करके भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन उसे अपने आप को बचाने के लिए कम से कम ये तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जॉन इमॉर्टल डेमन क्लोन को स्पेस रिंग से बाहर निकाल लेता है। तभी वो बंदा अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए इमॉर्टल डेमन क्लोन को देखता है क्योंकि उसे कुछ समझ आ रहा है। तभी वो कहता है तो अब पता चला कि तुम्हारे पास इतना स्ट्रांग पर्सन है, हालांकि इसकी बॉडी काफी स्ट्रांग है लेकिन इसमें कोई का कोई फ्लक्चुएशन नहीं, ये थोड़ा अजीब है। चलो एक नज़र डालते हैं कि चाओगे को मारने के लिए तुम कितने पावरफुल हो। सत्य बंदा काफ़ी अलर्ट था और वो खुद आगे बढ़ने से पहले एशियन बीस्ट को आगे जाने का ऑर्डर देता है ताकि वो जॉन की पावर को चेक कर सके कि आखिरकार ये इतना कॉन्फिडेंस लाता कहाँ है। तो चलो गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड करते हैं, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड पे। तो बाय बाय थ्रेन फैमिली, गुड नाइट।